हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 75वां पार्ट है, 75th पार्ट है। और चलिए, बहुत ही अति महत्वपूर्ण बातों को ले रहे हैं। हाँ, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पे जा करके जीके 1 से 105 को आप कंप्लीट कर लीजिए, करेंट 1 to 50, और पीछे का बार बार रिवीजन कीजिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहां कहा गया था? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कहां दिया? ये भी उन्होंने जर्मनी में ही दिया था और काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए, अब कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया 1920-22 में? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। और आप हमें बताएं, सीमांत गांधी के नाम से कौन मशहूर है? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहेंगे। अब्दुल गफ्फार खान, गुरुदेव कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? चंपारण। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर। देशबंधु की उपाधि किसकी है? चित्रंजन दास। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। ये बात आप बखूबी जानते हैं, बार बार प्रैक्टिस सेट में आया है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया गया, और किसने राजी किया? वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया, वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935।
स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को किस कारण से फांसी दी गई? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉयल्ट एक्ट, इसी को काला कानून कहते हैं। तो चलिए, ये बहुत बेहतरीन रहा आपका। अब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें पीछे का, और बहुत हद तक आधुनिक भारत 90% कवर हो चुका है। और आप लोगों से आग्रह है कि आप कैरियर गाइड डॉक्टर फरोज इकबाल पर जाकर के कैरियर गाइड डॉक्टर फरोज इकबाल पे जीके 1 से 105 करेंट 1 to 50 और साथ में टेस्ट सीरीज हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, साइंस की है, ज्योग्राफी की है, करंट की है, सबको आप करते रहिए। अब यहाँ से सारी वीडियो को आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री को बार बार रिवीजन करने पे ही वो याद रहता है। चलिए, थैंक यू।